My name is Shubham Pandya and he is Ambuj Mishra. We are from 11th Commerce of Divine Life International School. Today we are conducting a podcast. What is podcast? Podcast in which we are discussing about our fashion show, pre-primary any day and some other program happen in school. First is our rainy day. Yes. मैं ये सोच रहा हूँ कि जब यहाँ पे बारिश नहीं हुई तो फिर रेनी डे मना कैसे रहे स्कूल में? We know about fire hydrant by which rain is spread through all over the student. अच्छा ऐसा आर्टिफिशियल रेन करके कर दिया? हाँ आर्टिफिशियल रेन. सही था बेटा. मजा तो बहुत आया था. बच्चों को सारे बच्चे नहा रहे थे, मस्त कलरफुल अम्ब्रेला लेके आए थे. वेरी कलरफुल रेनकोट ऑल्सो. रेनकोट से तो फैशन शो ही अलग लग रहा था. सब अलग अलग लाइक फैशन शो फॉर रेनी सीजन. सब अलग ही लेके घूम रहे थे. टीचर वीचर भी मस्त डांस कर रहे थे, म्यूजिक बजा के सब ने एंजॉय किया. जरूरी है उनके लिए भी ये सब करना. हाँ एक हुआ था ना 11-12 का फूड फेस्टिवल हमारा. इट वाज आल्सो नाइस. उसमें भी तो मजा आया था. आई न्यू दैट इट इज वेरी कोविड फ्रेंडली. ऑल डिशेस आर अंडर 20. सही था. और टेस्ट सबसे बढ़िया था. सबने प्रॉफिट भी बहुत मस्त सबने मस्त मस्त प्रॉफिट कमाया. उससे भी क्या मैनेजमेंट का पता चलता है ना स्टूडेंट्स को बिजनेस कैसे करना है, कितना प्रॉफिट देना है, कितना मार्जिन, सेलिंग प्राइस, मार्जिन, वो सब सही. सिर्फ वैसे बच्चों को ध्यान आ जाता है. और तुम तो कॉमर्स की और कुछ हुआ था क्या स्कूल? फैशन शो आता प्री प्राइमरी का. दैट वाज वेरी नाइस. दैट वाज वेरी नाइस. वंडरफुल. उसमें सबसे ज्यादा मजा आया था सबको. टीचर्स पेरेंट्स पेरेंट्स को भी सबसे ज्यादा मजा आया. कम विद मैचिंग ड्रेस ऑल पेरेंट्स. सब सही था. स्टूडेंट एंड पेरेंट्स भी सब एकदम वेल ड्रेस थे. रैंप वॉक कर रहे थे मस्त आराम से. टीचर में फिर भी हम एट लास्ट सीनियर स्टूडेंट एंड विद द प्री प्राइमरी टीचर्स ऑल्सो रैंप वॉक. फिर हम भी तो चले थे टीचर लोगों के साथ मस्त आराम से. रैंप वॉक हुआ था. सूट भी सही से आ रहा था मस्त. एक्टिविटी कंडक्टेड बाय स्कूल आर वेरी गुड. और एक मार्शल होता है हमारे स्कूल में ऑलरेडी. वो एक्सरसाइज कराते हैं. वो ऑलरेडी होता है ना. और वो तो 1 से लेके 12 तक सभी स्टैंडर्ड का होता है. और हर एक होता है. स्कूल वालों ने तो अलग से एक कंफर्टेबल यूनिफॉर्म भी बनाया है. हां उसके लिए हाउस का भी सभी हाउस यूनिफॉर्म है. सही है सबका. एकदम कंफर्टेबल कंफर्टेबली एक्सरसाइज होती है. बस बात एक ही है. टीचर तो करते नहीं, सिर्फ बच्चों से कराते हैं. उसको दिखाते नहीं है पर वो चल तो रहा ही होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही है. लेकिन बस हम ये दिखाते तो लोगों को ऐसे लगता ही है बस. बाकी है तो एग्जाम एग्जाम सब टाइम से कंडक्ट. प्रायोरिटी तो एकेडमिक्स ही है बट जो सेकंड चीज है वो ये है और वो इसको कर दिए अच्छे से. और भी आगे होंगे. नवरात्रि आ रही है तो वो तो फिर सेकंड पोस्ट जब होगा ना तब हम उसको भी बताएंगे. सेकंड पोस्ट के लिए वेट करो.